बाबा कहाँ जाएंगे? बताइए बाबा कहाँ जाएंगे? कहीं पे भी ले जा बेटा। वैसे भी अब और कौन रह गया है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा? पर हुआ क्या है बाबा? वही जो नस्ल दर नस्ल कश्मीरियों के साथ होता आ रहा है। दादाजी मान जाइए ना, कब से चुप हो, कुछ तो कहिए। मुझे कोई बात नहीं करनी। वैसे भी जब तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते तो बात करने का फायदा? दादाजी आप ही की दो बातें सुनकर मैं जर्नलिस्ट बना हूँ, और अब जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो आप ही मुझसे नाराज हो रहे हैं। कश्मीर में और भी जर्नलिस्ट हैं, मगर पुलिस सिर्फ तुम्हारे पीछे। क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। क्या फायदा इसे सच का जो जान मुश्किल में डाल दे? आप भूल रहे हैं दादाजी, ये सब आप ही का सिखाया हुआ तो है। आजादी के लिए आवाज बुलंद करो, सच बोलो, चाहे किसी भी चीज की कुर्बानी देनी पड़े। देख कुरान, मुझे तेरी तरक्की पर नाज है, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालने नहीं दूंगा। अगर हम ही खौफ की वजह से ऐसे खामोश हो जाएंगे तो कश्मीर में ऐसा कौन है जो आजादी के लिए आवाज बुलंद करे? उतना ही सच बोल जितना हुकूमत को बर्दाश्त हो सके, दूसरे लोगों की तरह, समझा? आखिर वो पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हें बार बार क्यों उठा कर ले जाता है? परसों वो तुम्हें कहां लेके गया था वो बता, बोल। चिंता नहीं कर, तुझे यहां नहीं मारेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि तुझे हम यहां लेकर आए। घर वालों को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। पता? हुकूमत ने ह्यूमन राइट्स पर एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें हिंदुस्तान समेत कश्मीर के कुछ जर्नलिस्ट ने हिस्सा लिया, और मैं भी उनमें से एक था। वैसे तो जेरे बहस मौजू कश्मीर था, मगर बात वहां सिर्फ कश्मीरी पंडितों की। मेरे सजनों और मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानत हैं कि आज का दिन 19 जनवरी आज से 26 साल पहले कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया, क्योंकि आजादी मांगने वालों ने अपनी बुद्धि में ये बैठा लिया था कि हमारे हर देशभक्त को मुकबर करार देकर उसकी हत्या करना पुण्य का और जहाद का काम है। हमारे बेचारे समाज सेवक टिक्का लाल टपलू को इन लोगों ने दिन दिहाड़े सरेआम श्रीनगर के बाजार में उसकी हत्या कर दी, इसलिए कि वो एक पंडित था। अगर झूठ बोलना ही था तो जरा तरीके से बोलते। हो कौन तुम? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक एक्टिविस्ट जो अपने लोगों के हक की बात करता है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो आप लोग सुनना नहीं चाहते। आप लोग सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है। कितनी आसानी से आप लोगों ने कश्मीर के इशू का नक्शा खींच दिया, और लोगों को आपने ये बताया है कि कश्मीर में कोई आजादी की जंग है ही नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ चंद जहादियों और मजलूम भारतीय फौजियों के आपस का मामला है। अच्छा मजाक है। तो तुम्हारे लिए 219 पंडितों की हत्याएं एक मजाक है? एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, ये हमें हमारा दीन सिखाता है। मरने वाला इंसान मुसलमान हो या पंडित, हम कश्मीरियों के लिए सबसे पहले वो एक इंसान है। और वैसे भी ये पंडित और मुसलमानों का फर्क तो आप लोगों ने किया है, ताकि आप हमारी तहरीक को मजहबी जुनूनियत का रंग दे सके। हमारे वो सिर्फ पंडित नहीं बल्कि कश्मीरी भाई थे। तो जरूर बात कीजिए उन 200 पंडितों की, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन साथ साथ दुनिया को ये भी बताएं कि 1989 से लेकर आज तक भारतीय फौजियों ने कश्मीर में 1,00,000 इंसानों को कत्ल किया। 1989 से लेकर आज तक भारतीय फौजियों ने 11,000 औरतों का रेप किया। 19 जनवरी अ कश्मीरी पंडित डे, हमारे पास तो देने के लिए सिर्फ मिसालें हैं।
अगर बात करनी हो भारतीय फौज के इंस्टीट्यूशन रेट क्राइम्स की तो कुनान पोशपुर और शोपिया की मिसाल लें। अगर बात करनी हो भारतीय फौज के मैस किलिंग्स की तो यजपोर, हंदवार और सोपोर मोसाइकल्स की मिसाल लें। जिस कश्मीर में 7 लाख फौज का कब्जा हो, जहाँ पर 1.5 लाख के करीब आर्म पुलिस फोर्स हो, जहाँ पर विलेज डिफेंस कमेटीज हो, वहाँ पर मसला सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नहीं बल्कि कश्मीर की आजादी का है। और क्या जरूरत है अपनी जिंदगी दांव में लगाने? जरूरत है दादाजी, जरूरत है। आप जानते हैं बाबा के साथ ऐसा क्यों हुआ? उस दिन आप घर पर नहीं थे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो पूरा मन तरीके से अपने हक की बात कर रहे थे, लेकिन काबिज फौज से ये बर्दाश्त ना हो। आज अगर बाबा जिंदा होते तो मुझे आजादी की जद्दोजहद से कभी नहीं रोकते। मेरे लिए डर के जिंदा रहने से बेहतर है कि बाबा की तरह शहीद हो जाए। उन जैसे हजारों कश्मीरियों ने अपनी जान की कुर्बानी सिर्फ इसलिए दी ताकि उनकी बात को सुना जा सके, और मैं भी तो वही कर रहा हूँ। आप भी तो यही चाहते हैं दादाजी कि 1947 में जो जज्बा था आज भी सब लोग वही महसूस करें, जो सच हमारे बड़े बोलना चाहते थे वो दुनिया तक पहुंचे। मैं भी यही चाहता हूं। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आजादी के लिए जद्दोजहद करना तो आप ही ने मुझे सिखाया है ना। अब अगर आप ही यूं करेंगे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। अच्छा दादाजी, अब आप खैरियत से घर जाइए। यहाँ मुझे एक काम है, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। खुदा हाफिज दादाजी। दादा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं यार तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दादा, मुझे अम्मी अब्बू की बहुत याद आती है। यार मैं हूँ ना तेरे पास। अम्मी और बाबा ने कुर्बानी क्यों दी? बेटा, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे बाबा ने कुर्बानी इस कश्मीर को आजाद कराने के लिए दी, ताकि हम इस कैद से आजाद हो सके। हम कब आजाद होंगे दादा? बहुत जल्द मेरे बच्चे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द।
टेररिस्ट नहीं था, एक जर्नलिस्ट था। और मुझे उस पर फख्र है, उसको सच बोलने की सजा मिली है। जालिम उसको गोली मारकर उसकी लाश के साथ ले गए। हे मेरे मालिक, अब तो मेरी तीसरी नस्ल भी आजादी के सफर पर कुर्बान हो गई है। अब तो मेरी फरियाद सुन, अब तो हमें आजाद कर दे मेरे मौला।